नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे मार्किंग टूल, कल पढ़ा था डिवाइडर, आज पढ़ेंगे पंच। पंच किसे कहते हैं, पंच कितने प्रकार होते हैं, कौन सा पंच कहाँ यूज होता है, ये सब पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पंच है क्या, पंच कितने प्रकार की होती है, पंच का इंट्रोडक्शन क्या कहता है, देखते हैं परिचय। जब कोई जॉब बनाया जाता है तो जॉब बनाने के लिए पहले उस पर मार्किंग मीडिया लगाई जाती है। मतलब किसी चीज़ का जॉब अगर बनाना है, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है तो उसे पतला सा लेप लगाया जाता है, जो ड्राइंग के अनुसार मार्किंग की जाती है। जो मार्किंग की जाती है वो ड्राइंग के अनुसार की जाती है, और जो बार बार कार करते समय बार बार जॉब को छूने से मार्किंग मिट जाती है। बार बार अगर किसी चीज़ को छूएंगे लाइन पतली तो मार्किंग मिट जाएगी, उसको स्थाई बनाने की आवश्यकता होती है। उस लाइन को अगर पक्का कर लेंगे, मतलब किसी से पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, क्या आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको एक टूल प्रयोग में लाया जाता है जिसे पंच कहते हैं। मतलब हम पंच कहते हैं उस पॉइंट को जिसे हम पॉइंट रखते हैं ना, उसको हम पंच कहते हैं। आप सीधा समझ लीजिए, जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर आप मिट्टी का बनाते हैं और अगर उस पर छोटे छोटे पॉइंट रख लेते हैं उसको हम पंच कहते हैं, ठीक है। और जो पंच जिस चीज़ से रखते हैं उसको हम पंच कहते हैं, उसको पॉइंट कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसकी बनावट में पंच के द्वारा मार्किंग की हुई लाइनों पर डॉट लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं ना डॉट पॉइंट, ठीक है। डॉट लगा दिए जाते हैं जिसकी की हुई मार्किंग जॉब बनाने के अंतिम समय तक दिखाई देते हैं। अंतिम समय तक किस चीज़ को अगर आप लगा देंगे गहरे पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट से लगाएंगे तो वो दिखाई देगी, अंतिम रूप तक दिखाई दे सकती है। तो इसकी बॉडी अष्टभुजा आकार की होती है, जिसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है, ठीक है। इसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है। यह एक चीजल देखी होगी आपने, चीजल बोले तो छैनी को आपने देखा होगा। छैनी में तीन भाग होते हैं, बॉडी, हेड और कटिंग एज, और इसमें होते हैं हेड, बॉडी और पॉइंट। इसको ठीक उसी बिल्कुल सेम तरीके से होती है, बस इसमें कटिंग एज की जगह चीजल में कटिंग एज होता है और इसमें पॉइंट होता है, ठीक है। देखते हैं इसके भाग कौन कौन से होते हैं, हेड, बॉडी और पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं मटेरियल किस मटेरियल से बनाई जाती है। यह प्रातः हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है और इसके पॉइंट को हार्ड बार टेम्पर कर दिया जाता है। इनके जो पॉइंट होते हैं जो इनको हार्ड बार टेम्पर कर दिया जाता है। इसका साइज देखते हैं, इसका साइज कहाँ से, ये कई बार क्वेश्चन आता भी रहता है अपने एग्जामों में कि पंच का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। पंच का साइज इसकी पूरी बॉडी की लंबाई और उसके व्यास से लिया जाता है। इसकी पूरी बॉडी की लंबाई लेते हैं और इसके व्यास जो होता है उसे हम लेते हैं चीज़ें पंच का साइज। जैसे पंच 150x125 मिलीमीटर, यानी 150 जो मिलीमीटर है वो लंबाई है चीज़ की और जो 125 मिलीमीटर है जो व्यास है चीज़ का, ठीक है। अब देखते हैं प्रकार, देखिएगा पंच ले होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे आप चार प्रकार के होते हैं जो मोस्ट क्वेश्चनों में से आते रहते हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो अधिकांश क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं वही पंच यूज करते हैं, ठीक है। पहला है डॉट पंच, इस प्रकार के पंच के पॉइंट को 60 अंश के कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है, यानी जिसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 अंश होता है, उसको 60 अंश के कोण में ही ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग मार्किंग करने के पश्चात 90 अंश लाइनों पर डॉट लगाकर उन्हें स्थाई बनाने के लिए किया जाता है। जो लाइन सीधी लाइन होती हैं, ठीक है, जैसे 90 अंश एंगल, ये सब इस टाइप से लाइन बनानी होती हैं तो हम इस डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, और इसका पॉइंट एंगल होता है 60 अंश। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 60 अंश होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेंटर पंच, जैसे नाम से ही पता चल रहा सेंटर पंच, इसके पॉइंट को 90 अंश के कोण में ग्राइंड किया जाता है, जिसका कटिंग इसका जो पॉइंट एंगल होगा सेंटर पंच का वो 90 अंश होगा, ठीक है, करके बनाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग ड्रिल होल के लिए उसके सेंटर पॉइंट की पंचिंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कटिंग एंगल बड़ा होता है, इसीलिए जो डॉट लगाया जाएगा वह कुछ बड़े आकार की ड्रिल होल सेंटर में होगा और आउट नहीं हो पाएगा, समझे आप। जैसे कि अगर हम ड्रिल पॉइंट करते हैं तो उसको जो पॉइंट रखेंगे, अगर डायरेक्ट रख लेंगे तो जो पॉइंट होगा
वो डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। पहले सेंटर पंच से पॉइंट रख लेंगे, फिर ड्रिल यूज करेंगे, ठीक है। ड्रिल का पॉइंट तो उसमें रख देंगे, तो पॉइंट जो अपना सेंटर पंच से लगा लेंगे तो पॉइंट उसका डिसबैलेंस नहीं होगा, इसीलिए सेंटर पंच का प्रयोग केवल ड्रिल होल के लिए किया जाता है, ड्रिल में पंच करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ब्रेक पंच चे होता कैसा है, इसका देखते हैं ब्रेक पंच। इसके द्वारा पंच को इसके द्वारा सॉरी इसके पॉइंट को इसको पॉइंट के 30 अंश के कोण में ग्राइंड किया जाता है, ये जो होता है जो सबसे कम होता है, 30 अंश के कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग नर्म धातु के जॉब की मार्किंग करने के लिए लाइनों को डॉट स्थाई बनाने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है जैसे तांबा मुलायम धातु, तांबा पीतल एल्यूमिनियम इस टाइप से जो जॉब बनाए जाते हैं, ये जो ब्रेक पंच है वहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। इसका 60 अंश रेंज होता है, इसका 30 अंश कोण होता है। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा भी जाता है ब्रेक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 30 अंश होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं चौथा वाला ऑटोमेटिक पंच, ठीक है। ये होती है ऑटोमेटिक पंच, ये देखते हैं क्या है। इस प्रकार का पंच एक प्रकार का आधुनिक पंच होता है, ये आधुनिक प्रकार का पंच होता है जिसका प्रयोग करते समय मार्किंग हैमर की चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो हैमर का प्रयोग करते हैं उस हैमर का प्रयोग ऑटोमेटिक पंच में नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग होती है, और एक नर्लिंग की हुई कैप भी होती है। यदि कम गहरा पंच लगाना हो तो कैप को घुमाकर नीचे की ओर दबा दिया जाता है, ठीक है। पंचिंग करते समय इसको हाथ से दबाव डाला जाता है, मतलब पंचिंग करते हैं तो हाथ से दबाव किसी दूसरी चीज़ से प्रेशर नहीं, केवल हाथों से ही प्रेशर किया जाता है। जिस प्रकार का पंच चाहिए, अगर 60 अंश का चाहिए तो नॉर्मल करेंगे थोड़ी, और अगर 90 अंश का चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा तेज़ दबाना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग की सहायता से पंच का निशान लगाया जाता है, इसमें स्प्रिंग लगी होती है जिससे स्प्रिंग की सहायता से पंच किया जाता है। इसका पॉइंट कार 60 अंश और 90 अंश के कोण में हो सकता है, यानी सेंटर पंच और डॉट पंच से ही इसका प्रयोग हो सकता है, ब्रेक पंच में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 60 अंश का इसका पॉइंट एंगल होता है और 90 अंश का, ठीक है। ये होते हैं अपने पंच के प्रकार, ये देखते हैं आप सावधानियाँ पंच की क्या क्या सावधानियाँ हैं भाई, देखते हैं। पंच का पॉइंट एंगल तेज धार वाला होना चाहिए, मतलब पॉइंट अगर तेज धार वाला होगा तो आसानी से हमारी पंचिंग हो जाएगी, ठीक है। और देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट, लगे हुए डॉट्स के बीच की दूरी ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए ना तो बहुत कम, ठीक है। यह दूरी 3 से 6 मिलीमीटर तक रखी जा सकती है, ये लगना चाहिए जिससे ड्रिल होल ठीक सेंटर में किया जा सके, ठीक है। मतलब अगर 3 से 6 मिलीमीटर की दूरी पे सारे पॉइंट लगाने चाहिए डॉट, ठीक है। जो पॉइंट अपन लगाएंगे डॉट लगाएंगे निशान जो 3 से 5 मिलीमीटर तक की दूरी के बीच में ही लगाना चाहिए, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो अपनी मार्किंग जो मीडिया है उससे डिसबैलेंस हो जाएगी, जो लाइन है जो मार्किंग की गई है उससे डिसबैलेंस हो जाएगी, इसलिए हमें 3 से 5 तक ही लगाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट, देखते हैं क्या कहती है, ठीक है। यदि किसी पंच का पॉइंट ख़राब हो गया हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दोबारा ग्राइंड करके प्रयोग में लाना चाहिए। मतलब अगर किसी चीज़ की पॉइंट मतलब ब्रेक पंच है या डॉट पंच है या सेंटर पंच है, इनका अगर हमें ग्राउंड पॉइंट एंगल ख़राब हो गया है तो उसको दोबारा ग्राइंड कर लेना चाहिए, उसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखते हैं चौथा वाला पॉइंट, यदि किसी पंच का हेड छत्र अर्थात ख़राब हो गया हो तो उसको ग्राइंड तो उसका प्रयोग नहीं चाहिए करना चाहिए। यदि किसी पंच का हेड ख़राब हो गया तो उसको भी ग्राइंड करके सही कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी ग्राइंड करके ही सही कर सकते हैं, लेकिन ख़राब जो होता है हेड उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हैमर से चोट मारेंगे अगर उस वाले पॉइंट को तो वो पॉइंट डिसबैलेंस कर सकती है और सही नहीं लग पाएगा पॉइंट, ठीक है। जो 60 अंश का है वो कम भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए ग्राइंड करके रखना चाहिए उसको भी, ठीक है।